इस न्यूज के बारे में आदित्य कार बाजार महुरो नीमच। लगता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उधर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं। समन्वय समिति की बैठक को भी छोड़कर कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया बीच में ही चले गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने थोड़े ही दिनों पहले एक बयान भी दिया था कि अगर प्रदेश की कमलनाथ सरकार घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं करती है तो वो सड़क पर उतरेंगे। इस पर जब मीडिया ने कमलनाथ से सवाल किया तो उनका कहना था कि वो सड़क पर उतर जाएं। इस बयान के क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं? क्या आने वाले समय में कांग्रेस में और दो गुटों की गहराई बढ़ सकती है? इसमें पंचायत चुनाव और जो हमारी नगरीय इकाइयां उनके बारे में बात करी, संगठन में पुनर्गठन की बात हुई। सर, तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे कि सरकार और यहाँ संगठन में समन्वय नहीं हो पा रहा है, लग रहा है तमाम। मैं अध्यक्ष हूँ तो समन्वय किससे बनाना है? सर सिंधिया जी, जिस तरीके से तमाम बातें कर रहे हैं, जो वेवर को लेकर बातचीत हो रही कि लोन जो माफ नहीं किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे, किस तरीके से उधर जाएं।